गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्टैंड अप फॉर इट्स अवर इंग्लिश टू. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन, लेसन नंबर 9, आर्टिकल्स. लेट्स, सो दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न. नाउ यू हैव टू जस्ट रिफ्रेश इन योर माइंड. सो फर्स्ट वन, आर्टिकल्स आर वर्ड्स लाइक ए एंड एंड द. दिस द एंड ए एंड एम द, विच आर यूज बिफोर नाउन्स countable and uncountable. So the first topic, first point is articles क्या है, वो आप पहले ही जान चुके हो. Articles है a and the, जो countable या uncountable nouns के पहले लगाए जाते हैं. ओके, पॉइंट नंबर 2, वी यूज a और an बिफोर अ सिंगुलर countable noun. सो बिफोर सिंगुलर countable noun मीन्स सिंगल फॉर्म में होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तभी उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं. वी यूज़ एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट बिगिंस विद अ वोवेल साउंड ए ई आई ओ यू एंड ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद अ कंसोनेंट साउंड. सो हमारा सेकेंड पॉइंट ये है कि ए और एन दोनों ही सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ होते हैं, जो एक हो. और अनदर टॉपिक है, ए और एन दोनों के यूजेस अलग हैं. अगर वो सिंगुलर नाउन हमारा वोवेल साउंड, वोवेल्स देर आर 5 वोवेल्स ए ई आई ओ यू, दिस वोवेल साउंड, इस वोवेल साउंड से और इस लेटर्स के साथ स्टार्ट हो रहा हो, उससे पहले हम ए एन का यूज़ करते हैं. और अगर वो नाउन सिंगुलर नाउन अगर कंसोनेंट्स मीन्स एस रेस्ट ऑफ दिस लेटर्स अल्फ़ाबेट 21 लेटर्स रेस्ट ऑफ दिस दैट लेटर्स कंसोनेंट्स, इफ़ आवर सिंगुलर नाउन हमारा जो सिंगुलर नाउन है वो कंसोनेंट के लेटर के साथ या कंसोनेंट के साउंड लेटर के साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा हो, तो हम उसके लिए अ यूज़ करेंगे. ओके, थर्ड पॉइंट, वी यूज द बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. सो द जो है उसमें हम सिंगुलर नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, हम दोनों के पहले द का यूज़ कर सकते हैं. ओके, लेट सी दिस रीड एंड एंजॉय पार्ट. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, दिन में एक एप्पल हमें डॉक्टर से दूर रखेगा. एन आइसक्रीम अ डे शोज यू द डेंटिस्ट वे, और एक दिन में एक आइसक्रीम तुम्हें डेंटिस्ट के रास्ते तक लेकर जाएगी. अ कैरट ब्रिंग्स यू गुड हेल्थ एंड विटामिन ई, कैरट मीन्स गाजर जो है, कैरट जो है मीन्स गाजर, वो हमें गुड हेल्थ और विटामिन ए प्रोवाइड करेगा. अ पिज़्ज़ा इज अ जंक फूड द डॉक्टर से, और पिज़्ज़ा जो है वो एक जंक फूड है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं. एंड ऑरेंज गिव्स यू विटामिन सी, ऑरेंज संतरा जिसे हम कहते हैं वो हमें विटामिन सी प्रोवाइड करता है. द सन गिव्स यू लॉट्स ऑफ विटामिन डी, सन सूरज जो है वो हमें बहुत सारा विटामिन डी प्रोवाइड करता है. ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर योर हेल्थ, जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो हम सबकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. ऑल द सॉफ्ट ड्रिंक्स टेक अवे योर एनर्जी बाय स्ट्रेंथ, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो हमारी एनर्जी ले लेते हैं. मिल्क ट्वाइस अ डे गिव्स यू स्ट्रॉन्ग बोन्स, और एक दिन में मिल्क ट्वाइस मीन्स दो बार अगर हम मिल्क ड्रिंक करते हैं तो वो हमारी बोन्स को, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है. एन एग इज़ अ सोर्स ऑफ कैल्शियम, इट इज़ वेल नोन, और एग जो है वो एक कैल्शियम का सोर्स है, ये हम सब जानते हैं. रिमेंबर ऑल दिस एंड हेल्दी यू विल स्टे, अगर हम इन सारी बातों को याद रखते हैं तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे. दिस इज़ द सीक्रेट टू गो अ लॉन्ग वे, ये एक अपनी लाइफ को अच्छी तरह से हेल्दी लाइफ जीने का, एक लंबी लाइफ जीने का सीक्रेट है. ओके, सो लेट्स टेक अ प्रॉमिस दैट वी विल ट्राई टू फॉलो दिस रूल्स टू बी हेल्दी. ओके, वर्ड पावर, फर्स्ट वन जंक फूड. जंक फूड मीन्स फूड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, वो फूड्स जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हो उसे हम जंक फूड कहते हैं. सेकेंड वन सीक्रेट, समथिंग नॉट नोन टू मैनी, सीक्रेट मीन्स ऐसी बात जो सबको नहीं मालूम हो. स्ट्रेल्थ मीन्स सीक्रेटली,
चुपके से, धीरे से, इस तरह से. ओके, सी दिस पार्ट. लुक एट द हाइलाइटेड वर्ड्स वंस अगेन. यहाँ पे हम हाइलाइटेड वर्ड्स को वंस अगेन सी करते हैं. दिस हाइलाइटेड वर्ड्स, पिंक कलर वर्ड्स आर, क्या है ये कोई बताएगा? सो दिस इज आर्टिकल. सी दिस पिंक कलर वर्ड्स एन ए ध, दिस ऑल हाइलाइटेड वर्ड्स आर आर्टिकल. द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द अबो पोएम आर कॉल्ड आर्टिकल्स. तो जो अभी मैंने आपको बताया, हाइलाइटेड वर्ड्स को हम आर्टिकल कहते हैं, ए एन एंड ध. सो ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. सो इसमें भी सी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स तीन है, ए एन एंड ध. सो ए और एन इसे हम इनडेफिनाइट कहते हैं और ध को हम डेफिनाइट कहते हैं. ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एंड ध इज कॉल्ड अ डेफिनाइट. डेफिनाइट विच श्योर, इनडेफिनाइट नॉट श्योर. ओके, अंडरस्टूड? डेफिनाइट मीन्स द थिंग्स विच आर श्योर एंड इनडेफिनाइट मीन्स द थिंग्स आर the things which are not completely sure. So here we have completed this part till here. So in our next video we are going to learn more grammatical concepts regarding article. Okay, so have a nice day, goodbye and take care and keep learning. Okay, bye.